हमारे चैनल, तो आपको बहुत 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 सारा स्वागत है मेरी इस चैनल पे। एंड इतने ज्यादा कमेंट्स, ओ माय गॉड। मतलब मुझे पता है कि मैंने काफी वक्त से कोई भी हॉरर वीडियो, कोई भी हॉरर सीरीज को आगे नहीं बढ़ाया है, मतलब नहीं बनाया है। एंड मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि हॉरर वीडियो। एंड मैंने कल एक पोल भी डाला था जिसमें आपने चूज किया था हॉरर वीडियो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शुरू किया जाए। एंड ये हॉरर वीडियो आपने थंबनेल और टाइटल देखा तो पता लगा ही लिया होगा, तो इसके बारे में काफी सारी चीज मैं आज आप बताने वाली हूँ। और काफी अजीब सी भी वीडियो होने वाली है, क्योंकि हॉरर है तो अजीब सी तो होगी। सो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, लिंक नेम सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो चलो, फालतू की बकवास में बहुत करती हूँ, मुझे पता है, चलो बढ़ते हैं आगे विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये जो शुरू होता है ना, एनाबेला डॉल आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है कि एनाबेला डॉल क्या है और कितनी खतरनाक है, तो ये आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिलेगा। मैंने एनाबेला का जो भी रियल स्टोरी था ना, कि वो क्यों खतरनाक थी इतना और क्या क्या करती थी, उसका सारी चीजें मैंने डिफाइन किया है, तो आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लो एंड उसके बाद जाकर वो वीडियो देख लेना। मैंने उसमें आपको बताया था कि एनाबेला डॉल के बारे में, अगर आप हॉरर वीडियोस और कोई भी हॉरर फिल्म के शौकीन हो, बहुत ज्यादा आपको शौक है, तो आपको पता होगा कि कॉन्जरिंग मूवी नाम की एक बहुत ही खतरनाक मूवी बहुत पहले आई थी, जिसमें एक डॉल के बारे में बताया गया था, पर वो डॉल रियल नहीं था, मतलब वो फेक डॉल पे वो पूरी कहानी बताई गई थी, लेकिन रियल डॉल का आप जो फोटो है ना, वो आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो है रियल डॉल। एंड उसकी कहानी तो आप देख ही लोगे बाद में, लेकिन क्या हुआ था ना कि वो डॉल काफी ज्यादा खतरनाक है, हाँ, और वो आज भी एग्जिस्ट करती है, मतलब आज भी वो डॉल है, उसको काफी ज्यादा संभाल कर रखा गया है, एड एंड लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम में रखा गया है। अब तो एड एंड लॉरेन वॉरेन रहे नहीं, तो उसके सन इन लॉ है जो कि उस म्यूजियम को ओन करते हैं, वहां वो अभी भी है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो काफी, मतलब 2020 के अगस्त के मंथ में ना, एक बहुत ज्यादा र्यूमर फैला था कि जो एनाबेला डॉल है ना, वो भाग गई है म्यूजियम से। हाँ, तो ये जो फैला था ना, ये मतलब ऐसा कहा गया था विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज पे, ये सबको मिला था, मतलब ये इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज पे ये था कि एकदम डायरेक्टली मेंशन कि जो एनाबेला डॉल है वो रात के 3 बजे 14 अगस्त को भाग गई है, मतलब वहां से मिसिंग है, ठीक है। तो लोगों, अब क्योंकि वो ऑफिशियल पेज था तो लोगों ने यकीन कर लिया, और यकीन करने के बाद ऐसा हुआ कि लोगों में, मतलब होता है ना कि वो क्योंकि काफी ज्यादा फेमस है वो डॉल, और काफी ज्यादा खतरनाक है, और उसने काफी सारी चीजें ऐसी उसके हमें देखने को मिली है जिसमें पता चला है कि वो कितनी खतरनाक है, तो लोगों को लगा कि यार वो भाग गई है, और सबको यही फैल गया। तो इतना ज्यादा र्यूमर फैलने के बाद जो एड एंड लॉरेन वॉरेन के जो सन इन लॉ थे, उन्होंने इस चीज को क्लियर किया था। उन्होंने क्या किया था, एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने जो दिखाया था उस जगह को जहां पे वो मतलब जो एनाबेला डॉल है वहां पे रखी हुई थी, और वो लाइव, मतलब वो वीडियो उन्होंने शूट करके इंटरनेट पे डाला था। एंड वो वीडियो से लोगों को पता चला था कि ओके, ठीक है, एनाबेला भागी नहीं है। उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि एनाबेला बिल्कुल सेफ है, और काफी ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, कड़ी सिक्योरिटी के साथ उसको रखा गया है, जिस वजह से वो भाग नहीं सकती और भागी भी नहीं है। तब जाके कि लोगों का डाउट जो है ना वो क्लियर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वो भागी थी, लेकिन काफी सारे लोगों का कहना है कि वो नहीं भागी थी, एंड वीडियो देखकर ये भी प्रूफ हो चुका था कि वो भागी नहीं थी। बट यहाँ पे पॉइंट है ना कि अगर वो भाग जाएगी तो क्या होगा। मैंने ना इसको गूगल पे सर्च किया था एंड काफी सारे वीडियोस देखे, तो तब मेरे को पता चला कि अच्छा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो और जहां तक मेरे को, मैंने पुराना भी वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या उसने एक्चुअली किया था। तो उसने किया, उसने, मतलब ऐसे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का ये कहना है कि अगर वो बाय चांस भाग गई, या फिर बाय चांस उसे किसी ने चुरा लिया एंड वो कहीं वहां से हट गई, मतलब उस जो जार में, सॉरी जार नहीं, वो स्टील का कुछ ऐसा जगह है ना म्यूजियम में, वहां पे वो रखी हुई है, अगर वहां से वो निकल गई तो वो जो पहले किया करती थी वही वो फिर करेगी। मतलब ऐसा ऐसा मानना है लोगों का कि जिन जिन लोगों ने एनाबेला डॉल के बारे में कुछ भी गलत बोला है, एक का तो था कि उसके बारे में कुछ गलत बोला था म्यूजियम में जाकर, एंड म्यूजियम से बाहर निकलने के बाद उसके कार का एक्सीडेंट हो गया था, एंड एक ने उसका काफी ज्यादा मजाक बनाया था जिसकी शायद डेथ हो गई थी। तो ऐसी काफी सारी बातें लोगों में फैली हुई है अभी भी कि अगर उस डॉल का कोई भी मजाक बनाता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। एंड इनफैक्ट वो जो डॉल है ना, वो तो फिर भी वो उस म्यूजियम में ही थी, तब भी उसका मजाक बनाने के बाद लोगों के साथ ये हुआ था। तो सोचो कि अगर वो वहां से बाहर निकल जाएगी एंड किसी के हाथ लग जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। तो खैर, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है एंड आई होप आगे भी ऐसा ना हो। तो ये मैं छोटी सी जानकारी जो था आपको देना चाहती थी।
एंड एनाबेला डॉल काफी ज्यादा फेमस है एंड इसने काफी सारे चीजें की है एंड ये एक रियल स्टोरी है कि इसके पीछे क्या क्या हुआ था। तो आप वो रियल स्टोरी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने बहुत सारी हॉन्टेड और हॉरर स्टोरीज बनाई है, आपको बताया मैंने, तो आप जाकर देख सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, तो मैंने आपको सिंपल में बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी कोई हॉरर वीडियो या फिर नॉर्मल कोई चैलेंज वाला वीडियो आपको देखना हो तो मुझे कमेंट करके बताना एंड सजेशन दे दिया करो यार। मेरे में इतने दिमाग नहीं है कि इतना सजेशन, मतलब इतना अगर मेरा दिमाग होता तो कहां से कहां होती। अच्छा तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो पता है ना आपको क्या करना है, सब्सक्राइब तो अभी तक कर दिया होगा और नहीं किया तो जल्दी कर दो। बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।